मुझे मम्मी को उठने का बिल्कुल मन नहीं है, बट आज सोमवार है, बहुत काम है, पूजा करनी है, पूजा करके पानी पीना है, उठना तो है। बट क्या वेदर है, इस वेदर में बस ऐसे लेटे रहना बड़ा मजा आता है यार। सो हे गाइज, वेलकम टू आवर चैनल। टुडे 17th ऑफ मे और आज क्या हवा है और क्या बारिश हो रही है, घर में लाइट नहीं है, फ्लक्चुएशन हो रहा है, डर भी लग रहा है। हम सब एक्चुअली सुबह से उठ चुके हैं बिकॉज बहुत फ्लक्चुएशन हो रहा था। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का स्टेटस। बहुत ज़्यादा हवा चल रहा है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा हवा। आपको शायद से मेरी आवाज़ भी नहीं सुनाई दे रही होगी। कारपेट पूरा भीग चुका है यहाँ पर, सोफा भीग जाएगा। ये उठ चुकी है, इसका नींद पूरा नहीं हुआ है, रात भर नहीं सो रहा। एक बार फैन स्पीड हो जाता है, एक बार स्लो हो जाता है, क्या चल रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा था। और धड़ धड़ करके ना खिड़कियां ऐसे बज रही है सारा रात। नहीं भाई, ऐसा इतना डर लग रहा था और गर्मी गर्मी कर रहे थे, फुल ऑन ठंडी हो चुका है। आई होप ये ज्यादा कुछ प्रॉब्लम ना करे। जितने भी झाड़ है यहाँ पर आधे बेंड हो चुके हैं, बहुत ज्यादा डरावना हो गया है अभी पूरा सीन। वहाँ पर कंटिन्यूस बारिश है, गंदा उड़ के आ रहा है, अगर खिड़की खोल रहे हैं तो बहुत ही ज्यादा स्कैरी है। अनु को डबल टाइम पोछा मारना पड़ रहा है बिकॉज बहुत कचरा आ रहा है, बहुत ही कचरा। खिड़की खुला नहीं रख पा रहे अभी, तो अभी बहुत ज्यादा हवा आ रहा है। तो मैंने बहुत रिस्क लेके मैं छत पे आया हूँ देखने के लिए कि क्या हो रहा है यहाँ पर। एंड इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग, एकदम बारिश, जोर से बारिश, बहुत हवा चल रहा है। मैं एक्चुअली पीछे से पूरा भीग चुका हूँ। हमारे बिल्डिंग के सामने एक झाड़ है जो आज सुबह गिर गया है, ये बहुत बड़ा झाड़ था। अपने दिन की जो गर्मी थी वो सब गर्मी अभी चली गई है, आज बहुत ज्यादा ठंडा है। वेदर इज वेरी नाइस, और सिर्फ वेदर इज नाइस बोलने से तो होगा नहीं, बट देन इट्स वेरी स्कैरी एज वेल। कोस्ट लाइन पे बहुत ज्यादा तबाही मच रहा है, गोवा में बहुत ज्यादा तबाही मचा है, आज कोंकण साइड में भी बहुत ज्यादा तबाही मचा है। सो आई एम जस्ट प्रेइंग दैट किसी को कुछ प्रॉब्लम ना हो, दैट इज द ओनली प्रेयर। मैं बस 2 मिनट आया हूँ अभी नीचे से ऊपर, और इस 2 मिनट में मैं पूरा भीग चुका हूँ, स्पेशली पीछे से, क्योंकि हवा पीछे साइड से ज्यादा चल रहा है, इसके लिए मैं पूरा भीग चुका हूँ पीछे से। तो चलिए मैं आपको बिल्डिंग के दूसरे साइड पे लेके चलता हूँ, देखते हैं वहाँ से क्या नजारा है। ये मैं डी विंग के साइड आ गया हूँ, डी विंग से जो नजारा है वो देखता हूँ, और बहुत ज्यादा ये छाता हिल रहा है। मुझे लगता है अभी मुझे नीचे जाना पड़ेगा क्योंकि कैमरा ऑलरेडी भीग चुका है, ज्यादा भीगेगा तो कैमरा भी खराब हो जाएगा। आई नीड टू गो डाउन एज सून एज पॉसिबल नाउ। आप लोगों को मेरी कितनी आवाज आ रही है मुझे नहीं पता। पानी देखिए गाइस, पानी देखिए, यहाँ पर छाता उल्टा हो चुका है, इतना हवा चल रहा है। छाता सीधा हो जा भाई मेरे, ओ माय गॉड, ये छाता हाफ सीधा हुआ है, अभी भी बहुत ज्यादा हवा आ रहा है इसके लिए। ये सिर्फ हाफ साइड से सीधा हुआ है, कैमरा पूरा भीग चुका है। मैं अभी नीचे जाता हूँ, तो मैं आ गया हूँ सीढ़ी में, कैमरा पूरा भीग चुका था, मेरा गिम्बल काम नहीं कर रहा था, कैमरा को जल्दी जाके सुखाना पड़ेगा नहीं तो ये कैमरा खराब हो जाएगा। ऑल सेट फॉर द पूजा, पूजा करते हैं, जोरों से बारिश हो रही है और एकदम सही मौसम हुआ है, मस्त। उसी के साथ बहुत सारा नुकसान भी हुआ है, अब क्या करें, साइक्लोन है उसे तो हम तो कुछ कर नहीं सकते, नेचुरल कैलामिटी है। बट चलिए पूजा करते हैं, भगवान से प्रे करते कि सब कुछ ठीक हो जाए। आई एम ऑल फ्रेश, पूजा करने के लिए आई हूँ। पीछे पूरा अंधेरा है बिकॉज लाइट नहीं है, रात से ही लाइट अप डाउन हो रही थी, लाइट ही नहीं है तो हम एकदम कम यूज़ कर रहे हैं, जो चाहिए सिर्फ वहीं पे लाइट लगा रहे हैं। मुझे इतना बुरा लग रहा है, तुलसी का झाड़ हमारा देखो कैसे हो गया, ये पूरा मतलब ना सीधा था पूरा, कैसे अब इसको करूँ यार, मतलब बहुत ही हवे से ऐसे पूरा देखो जड़ से, शायद मुझे ऐसे लगता है इनको ऐसे बांध दूँ क्या। इतना सुंदर झाड़ है हमारा, मतलब एकदम मस्त है, वो बेचारा पूरा टेढ़ा हो गया हवे से, बिकॉज हवा आई गेस वो साइड ज़्यादा आ रही थी, बारिश तो मस्त तो थम ही नहीं रही है। बट मेरे झाड़ का क्या होगा, अरे तुलसी मैया, मेरा लींबू वाला झाड़ एकदम मस्त है, इनसे कुछ भी नहीं हुआ है। पूजा करने में एकदम मन ही नहीं लग रहा है, दो दो सेकंड में बाहर देख रही हूँ क्या हो रखा है। हम करते हैं हमारी पूजा की शुरुआत। ओम नमः शिवाय, Thank you.
प्रसाद डाल दू कि तुम ले लोगे? मैं ले लूं? ये है। हाँ। और थोड़ा सा दूध लो। हम सब बैठ के खाना खाने। मेरी खिचड़ी दही इज रेडी। अनिकेत हैविंग ठंडा चावल विद आलू भाजा एंड मम्मी ऑल्सो ठंडा चावल आलू भाजा एंड ऑल्सो थोड़ा सा खिचड़ी। कैसा लग रहा है? क्या हवा जा रहा है। नेट भी बंद चालू हो रहा है। नेट बंद, लाइट बंद चालू हो रहा है। गेम बंद हो गया। वेरी गुड, दैट्स अ गुड थिंग। अशोक नेट बंद हो गया। हाँ, फोन भी लग जाता है तुरंत। हेलो, जल्दी जल्दी खा लो। मैं वहाँ बैठती हूँ। जबरदस्त वाली बारिश हो रही है। स्टे सेफ गाइज। मुंबई वाले लोग, गुजरात वाले लोग, घर पर ही रहिए। आज शाम तक पता चलेगा कि क्या स्टेटस है इसका। तब तक घर पर ही रहिए। ये मिस्टर फंसे हैं हमारे वाईफाई को लेकर। वाईफाई चल ही नहीं रहा है। फोन कर करके परेशान। न वोडाफोन का नेटवर्क है, न जियो का नेटवर्क है। क्या बोला जाता है? क्या सब मोबाइल नेटवर्क्स बंद है? आई गेस अभी प्रिकॉशन लेने के लिए वो लोगों ने बंद कर दिया है। हम भी अभी कितना देर शूट कर पाएंगे इन लाइट्स कोई आइडिया नहीं है। इन्वर्टर का बैकअप जितना देर रहेगा, बैटरी का बैकअप जितना देर रहेगा उतना देर शूट कर पाएंगे। उसके बाद में सब दिक्कत कर रहे कि जहाँ जितना कम लाइट हो सके उतना लगाए। पूरे घर में अंधेरा करके रखा है हमने। यस, एंड एडिट भी करने बैठा था मैं तो वहाँ पर वो इसमें भी बैटरी बैकअप का प्रॉब्लम हो रहा है। बार बार चार्ज करने के लिए फिर ऑन करना पड़ रहा है। तो इसके लिए आज थोड़ा सा व्लॉग लेट आएगा, बट आएगा ज़रूर। हम लोग सब सोने का ट्राई कर रहे थे लेकिन सो नहीं पाए। बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रहा है अभी। मतलब डर लग रहा है, अब सच में डर लग रहा है। अभी खिड़कियाँ गायब हो रही है किसी की, किसी का पत्रा टूट के गिर रहा है, कहीं पर झाड़ गिर रहा है। थोड़ी देर पहले वाईफाई भी बंद था, अभी वाईफाई चालू हुआ। पिंग जाने लगे तो मुझे समझ में आया कि वाईफाई चालू हुआ। तो अभी समझ में आ रहा है कि आसपास के लोकेलिटी में कितना नुकसान हो रहा है। सब एक एक करके फ़ोटोज़ भेजना चालू कर रहे हैं। अभी 5:26 हो रहा है। तो आई जस्ट होप कि ये जल्दी से जल्दी पास हो और ये ख़त्म हो जाए। मम्मी भी डर गई है, सो सो के लेट लेट के बोल रही नहीं चाहिए बारिश, भगवान बंद करो ये सब। अनु भी सो रही थी लेकिन वो भी उठ गई है। डर ही इतना लग रहा है, बाप रे, इतने जोर जोर से खिड़कियां बज रही है, ढोम ढोम। क्या होगा पता नहीं। नींद बिल्कुल भी नहीं है। और ये बोल रही है कि उठा देना अगर नीचे जाना पड़े, भाग के जाना पड़े तो उठा देना। कुछ हुआ तो जाना पड़ेगा भाग भाग के। और क्या, जिस हिसाब से खिड़कियां वगैरह बज रही है, कभी बिल्डिंग ना गिर जाए। सो एज यू कैन सी शाम के बज रहे हैं 7:50 और घर पूरा अंधेरा है क्योंकि लाइट अभी तक आया नहीं है। यहाँ पर हर जगह पे कैंडल लगा के रखा हुआ है। मम्मी अंधेरे में बैठी है। मम्मी लेटी है समवेयर ओवर हियर, दिख नहीं रही है अंधेरे में। अंधेरा कायम रहे। और मैंने अपना लाइट यूज पे लगाया है सो दैट अनु थोड़ा चाय वाय बना सके। पर्क्स ऑफ बीइंग अ सिनेमेटोग्राफर। यस एग्जैक्टली। और लाइट बहुत काम आ रहा है पर उसको बोल रही हूँ इसको बचाओ अभी क्योंकि खाना बनना बाकी है। एक्चुअली बहुत पावर है लेकिन क्या है कि बैटरी बहुत झटझट खत्म होगा इसका। चाय बना के चाय पीते हैं आज। क्या चाय पीते हैं? चाय। आज ठंडा ठंडा मौसम है तो गरम गरम चाय तो बनता है। भजिया भी बनता था। भजिया खाने का मन है लेकिन अंधेरा है। बिल्डिंग से खबर आ चुकी है कि भाई पानी एकदम बचा बचा के यूज करो क्योंकि लाइट नहीं है। इसके लिए पानी ऊपर चढ़ेगा नहीं मोटर से, इसीलिए पानी भी वहाँ पर हम लोगों ने भर के खाना बनाने के लिए दो भर के रखा है। हो जाएगा। बाथरूम में भी बाल्टी भर के रखा हुआ है। तो ये भी ऐसा लग रहा है अर्ली 2000 वाला स्टेट पे आ चुके हम लोग, ऐसे लग रहा है। तो ठीक है, एक दिन कैंडल लाइट डिनर। पर रात को वाट लगती है, डिनर फिनर तो हो जाएगा सोने के टाइम। तो ये स्टेट में हम आज है। आई होप वो लाइट भी बचा रहे थोड़ा खाना बनाने के लिए। मेरे पास है, 3 बैटरी है मेरे पास। तो आज हम पूरी बनाएंगे, पूरी आमरस। और क्या बनाने के? वो आलू टमाटर वाला सब्जी। आलू टमाटर के सब्जी, भजिया तल देंगे थोड़े ज्यादा नहीं, 2-4 भजिया तल लेंगे। ओके, क्योंकि उपवास है। खा लेंगे भजिया खा लेंगे, मजे से खा लेंगे। उपवास है ना तो अभी तल लेते, बट उपवास है तो एक बार ही खाना पड़ेगा। तो सब साथ में बैठ के
आज जो खिड़कियां जो हिली है, माय गॉड, 21 साल से हम इस घर में हैं, लेकिन 21 साल से ये हम लोगों ने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया जो हिला है आज खिड़की दरवाजे ढक 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 सिर्फ बैंग हो रहा है, सिर्फ बैंग हो रहा है। बारिश कभी थोड़ा कम हो रहा है, कभी ज्यादा हो रहा है। आई डोंट नो क्या होने वाला है, खोल नहीं पा रहे, इसलिए गर्मी भी लग रही है। इट्स एक्चुअली द मोस्ट स्कैरी डे आफ्टर द अर्थक्वेक सीन व्हिच हैड हैपेंड। कल ही अर्थक्वेक के बारे में बोल रहे थे हम, बात कर रहे थे, और आज अभी ये देखना पड़ रहा है। आई न्यू कि इतना लेवल का तो होने वाला है दिस टाइम राउंड। लाइट इज बेसिकली नॉट एन इशू, वो सरवाइव कर लेंगे हम लोग कैंडल्स वगैरह लगाकर। फोन में नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं है, कोई भी नेटवर्क नहीं है इस केस में, थोड़ा थोड़ा आ रहा है नेटवर्क। तो जो हमारे रिलेटिव्स है वो फोन कर रहे हैं जस्ट टू आस्क कि भाई कैसे हो क्या नहीं। मोबाइल में भी चार्ज नहीं है, मैंने मेरे मोबाइल में 27% चार्ज हो गया था। मैं थोड़ा पैनिक करता हूँ, मुझे एक्चुअली 80 के नीचे देखने की आदत नहीं है। ये व्लॉग एडिट हो चुका है, बट वो व्लॉग एडिट हो चुका है लेकिन अपलोड नहीं हो पा रहा है जस्ट बिकॉज अभी वाईफाई नहीं है, डेटा नेटवर्क भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो इसके लिए अपलोड नहीं हो पा रहा है। और लैपटॉप का चार्ज भी खत्म हो चुका है, तो अभी उसको चार्ज भी नहीं कर पाऊंगा मैं। गर्मी तो हो रही बाबा, गर्मी अभी गर्मी हो रहा है, क्योंकि दिन में क्या ना फिर भी खिड़की खोल के रख सकते थे, लेकिन बहुत धूल आया है, बहुत धूल आया है। सिलसिला ये छत का न मैंने जिंदगी रहने दो, काश मुझे गाना आता, काश आता, हम बंगाली होके हमको गाना नहीं आता। ये हमारा आज का चाय प्लेटर है, चाय प्लेटर, चाय प्लेटर विद टू टाइप्स ऑफ बिस्कुट, बिस्कुट वन यूनिविक एंड वन मारी। अंधेरा कायम रहे, बैठ जाओ भाई लोग, बैठ जाओ, आज की पार्टी करेंगे यहीं। कैंडल लाइट टी, कैंडल लाइट टी, चाय, डिनर प्रेप्स इस लाइट के सहारे, एक ही लाइट है और सब कैंडल्स भी ऑलमोस्ट खत्म हो गए हैं। तो यस, तो अभी हम हार नहीं मानेंगे, खाना तो बनना ही है बिकॉज आफ्टरनून में कुछ खाया नहीं है खास। तो चलिए देखते हैं अन्नू ने कितना डिनर प्रेप कर लिया है। व्हाट्सअप अन्नू, हो रहा है, एक तरफ खिचड़ी हो गया और एक तरफ आलू की सब्जी भी हो गई। यहाँ पे आमरस बनाते हैं फटाफट, गरम गरम पूरी तलते हैं, खाते हैं। और कैसा लग रहा है बिना लाइट के तुमको? गांव वाली फीलिंग आ रही है मुझे। मोबाइल में बात कर, पोल्टू से कंटिन्यूस मोबाइल पे बात कर रही है और मोबाइल का बैटरी ऑलमोस्ट ओवर होने वाला है। अभी इसने मेरा पावर बैंक मेरे से छीन लिया है, मेरे मोबाइल बोला कि तुम्हारा मोबाइल में नेटवर्क नहीं है, तुम क्या करोगे इतना चार्ज करके? पावर बैंक दे दो, पावर बैंक दे दो मेरे को, मैं चार्ज कर लूंगी। और ये भी आवाज करेगा, ये आवाज करेगा, करेगा 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 करेगा। आम रस बना रही है, आम रस ही बनाते हैं और क्या ही करे दुनिया में, क्या करे, लाइट नहीं, पानी नहीं, रात को क्या होगा? अब तो चलो ठीक है, रात को सब खिड़की उड़की खोल के सब टी शर्ट निकाल के सोना पड़ेगा लग रहा है। अरे पर कल रात को भी ऐसे ही हुआ था, कल भी सारा टाइम हमारा इन्वर्टर अप डाउन पूरे लॉकडाउन में आम फ्री में है, एक आम खरीदा नहीं है। ये देखिए चोर को, देखिए चोर, रंगे हाथ चोर पकड़ा जा रहा है। ये आम रस कम बना रही है और आम ज्यादा खा रही है, काफी लगा रहता है, काफी लगा रहता है। इसके वजह ये चीटिंग करके तो तुम लोग ने उस दिन आम का चैलेंज जीत लिया। मैं छिलका चूसते रहा और तुम लोगों ने आम सपाचट कर दिया, पूरा आधे से ज्यादा तो आम छिलके पे लगा हुआ था, चीटर लोग। नहीं हमने छिलका भी खाया था, प्लीज डोंट से दैट, बहुत चीटर हो तुम लोग, चीटर हो। तो अन्नू ने बुलाया, अन्नू ने बोला कि चलो देखो पूरी तल रहा है, देखो कैसे एकदम मस्त गोल 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 तल रहा है। चलिए छोटी छोटी खुशियां, पूरी गोल हो जाए मतलब सबसे बड़ी खुशी। ये देखो इसमें बहुत सारे हैं, सब मस्त खुले हैं। मम्मी वाला डायलॉग, यम्मी इन माय टम्मी, अभी तक गया नहीं टम्मी में, टाइम है, तुम ले लोगे? नहीं नहीं एक साथ ही बैठते, एक साथ बैठेंगे और एक साथ खाएंगे, इस अंधेरे में मजा लेंगे, कैंडल लाइट डिनर करेंगे। लाओ डालो, कैंडल डिनर सेट हो चुका है, कैंडल लाइट डिनर सर्विंग चल रही, सर्विंग लो ना। और ये मेरा प्लेट रेडी, मम्मी ने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। मम्मी कैसा बना है? मस्त एकदम, आलू पूरी। क्या आलू पूरी? आलू पूरी, आलू की सब्जी पूरी, आलू की सब्जी पूरी, आमरस। दिखाओ आपका प्लेट तो दिखाओ, और थोड़ी खिचड़ी। अंधेरे में बन गए, बहुत अच्छा खाना, क्या बात है, मजा नहीं लाइफ। आज यूनिक डे है मम्मी, ऐसे 21 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ ना इतना, कभी नहीं, आज गजब हो गया। तो चलिए बैठते हैं और खाना खा लेते हैं जल्दी जल्दी, ठंडा होने के पहले। मैंने सब कर दिया है, अब मैं मेरा ले रही हूँ। तो गाइस बज रहे 12:05 और ये देखिए सिर्फ
तेज देखिए बारिश का, बहुत तेज बारिश हो रहा है, बहुत ज्यादा। हम सब मम्मी के साथ ही सो जाएंगे यहाँ पे, तीन जन कैसे भी करके तीनों भी यहीं पे सोएंगे, बिकॉज लाइट वैसे भी है नहीं एंड तीनों साथ में रहेंगे तो ज्यादा टेंशन नहीं हुआ। मम्मी का रूम काफी थोड़ा सा ठंडा ठंडा सा है बिकॉज विंडोज ओपन है, तो काफी फर्क पड़ता है मम्मी के रूम में, तो यहीं पे सो जाएंगे। हे गाइस, बहुत वेट किया, लाइट तो आया नहीं, जबरदस्त खाना खाया लेकिन लाइट आया नहीं, बहुत वेट कर लिया। मैं तो बोल रहा हूँ ये लोगों को, जितना जल्दी सो सकते हो सो जाओ, क्योंकि नींद उतना जल्दी आएगा नहीं तो बाद में बहुत गर्मी लगेगा। लेकिन ये माँ बेटे की जोड़ी, हम थोड़ा गपशप करेंगे, थोड़ा खेलेंगे, कुछ टाइम पास करेंगे, थोड़ी गॉसिपिंग करेंगे, ये सब करेंगे। और हाँ, सॉरी गाइस, हमारा आज का व्लॉग नहीं आ पाया, ऐसे एक भी दिन नहीं हुआ कि हमने व्लॉग नहीं डाला, और आज वो दिन हुआ क्योंकि डेटा नेटवर्क नहीं है, वाईफाई नहीं है, लाइट नहीं है, कुछ नहीं है, बट व्लॉग अनिकेत ने एडिट कर लिया है, रेडी पड़ा है, सुबह उठते से ही अगर लाइट आ जाए तो हम लोग अपलोड कर देंगे उसको। सो टिल देन, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल, दैट इज बाय बाय। अंधेरा, ये देखो मम्मी इधर बैठे हैं, अनिकेत यहाँ सो रहा है। ये क्या है? देखो इसको, पागल, पूरा पूरा लाल लाल आंखें हो चुकी है इसकी, ये बोर हो चुका है। इस अंधेरे में सिर्फ सोना ही चाहिए, जग के क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकते जग के।